दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आप लोग यूनोएसबी ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं लमसम के थ्रू। तो आपको दोस्तों सबसे पहले यूनोएसबी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लमसम के थ्रू आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, आपको इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से कई सारे ऑप्शन आएंगे, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड पे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू अवेलेबल फंड का, आपको इसी पे क्लिक करना है। और कुछ आपको पॉपुलर जो फंड होंगे वो आपको यहाँ पे रिकमेंड के रूप में आपको यहाँ पे दिखाएगा। आप चाहें दोस्तों इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है, आपको कई सारे म्यूचुअल फंड को देखना है, तो आपको यहाँ पे व्यू अवेलेबल फंड पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके यहाँ पे SBI के जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो सारे म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दोस्तों म्यूचुअल फंड आपको अपने ही हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे कुछ 1 मंथ 3 मंथ इस तरह के ऑप्शन आएंगे 5 ईयर तक, ठीक है। तो अब दोस्तों जो रिटर्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड का, हम 5 साल का रिटर्न देखना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर 5 ईयर पर क्लिक कर देना है। सपोज़ यहाँ पर नीचे ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा, अब आपको इसी 5 ईयर पर क्लिक करना है। तो चलिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाटा था वो चेंज हो चुका है। तो अब दोस्तों जो आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे जो रिटर्न दिख रहा है, ये इस म्यूचुअल फंड का पिछले 5 साल का जो भी रिटर्न आया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जो भी रिटर्न देखना चाहते हैं, जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड की ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पॉपुलर, इक्विटी, हाइब्रिड, डेब्ट, अदर। तो इस तरह से फिल्टर करके भी आप अपने म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। इसके बाद अगर आपको सर्च करना है, कोई म्यूचुअल फंड आपको नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इंडेक्स फंड डाल देंगे और इसको हम कर देंगे सर्च, तो हमने यहाँ पर सर्च बॉक्स में इंडेक्स डाल दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कई सारे म्यूचुअल फंड आ चुके हैं जिसमें कि इंडेक्स फंड लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप सर्च करके भी यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो वो म्यूचुअल फंड आपको दोस्तों अपने ही एनालाइज के हिसाब से ही सिलेक्ट करना है। तो आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ के बजाय आपको उसी म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करना है, ताकि उसकी जो भी जानकारी हो वो आप एक बार चेक कर पाएँ। तो जो भी आप म्यूचुअल फंड सेट करें आपको उसी नेम के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे कि दोस्तों उस म्यूचुअल फंड की जो भी जानकारी है वो आप डिटेल्स में यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, इसकी जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आप दोस्तों यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल, 5 साल, सिंस ओवरऑल इसने कितना रिटर्न आपको दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको इस म्यूचुअल फंड की और भी जानकारी लेनी है, तो आप दोस्तों इस म्यूचुअल फंड को मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च, कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर आप इनकी जो भी डिटेल्स है उसको आप वहाँ पर चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेस्ट नाउ का, तो यहाँ पे हम सभी को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक आपको मंथली SIP, दूसरा क्वार्टरली और तीसरा दोस्तों आपको लमसम मिलेगा। तो अगर आप दोस्तों मंथली SIP स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली SIP को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके दोस्तों ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप दोस्तों वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको SIP स्टार्ट करनी है। आज हम बात कर रहे हैं लमसम की, तो हम यहाँ पे लमसम पे ही दोस्तों टिक रहने देते हैं। अगर आपको यहाँ पे मंथली SIP स्टार्ट करनी होती है तो आप इस पर क्लिक करते हैं।
अभी हमको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे हम लमसम पे ही टिक रहने देंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप SIP में कम अमाउंट से भी स्टार्टिंग कर लेते हैं, दोस्तों 500, 1000 रुपये या 100 रुपये से भी आपकी मंथली SIP स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे लमसम में क्या होता है, आपको मिनिमम अमाउंट दोस्तों ज़्यादा होता है। दोस्तों ज़्यादातर लोग SIP करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तों अगर आपको लगता है कि लमसम में करना चाहिए तो आप दोस्तों इसी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लमसम में क्या है कि आप यहाँ पे देख पाएंगे इस म्यूचुअल फंड का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पे 5000 रुपये है। दोस्तों आप एक बार में 5000 से नीचे यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो दोस्तों यहाँ पे 5000 रुपये है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप 5000 से कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लमसम के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। आपको 5000 या फिर उससे ज़्यादा भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लमसम का दोस्तों मतलब ये होता है कि आपका ये जो 5000 रुपये डेबिट होगा, आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में जाएगा, वो दोस्तों वन टाइम ही जाता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, SIP में क्या होता है, जब आप SIP को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके जो भी अकाउंट है पर मंथ आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं। लेकिन लमसम में क्या होता है कि आप जब भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फर्स्ट टाइम ही आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। तरीके से आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, सिंपली आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लमसम के थ्रू। इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेट आपकी लिखी हुई होगी, दोस्तों जिस डेट को आप लमसम करेंगे उसी डेट को आपका ये पैसा तुरंत ही दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कई सारे सवाल ये भी आते हैं कि सर हमारे जब पैसे कट जाते हैं तो हमारा उसमें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सोने होता है। तो आपको दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपको 2 से 3 दिन वर्किंग डेज आपको वेट करना है, क्योंकि आपके जो भी पैसे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में वो आपके म्यूचुअल फंड में शो होने में या फिर यूँ कहें कि आपके यूनिट अलॉट होने में कम से कम 2 से 3 या फिर 4 दिन का वक्त दोस्तों लग जाता है। तो अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो बेफिक्र रहें, आपका जो भी अमाउंट है वो आपके पोर्टफोलियो में जोर शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालने के बाद डेट ऑटोमेटिक पड़ी हुई होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अब दोस्तों प्रोसीड पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP दोस्तों डालने के बाद आपका दोस्तों जो लमसम का इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेसफुली दोस्तों हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है। इसके बाद आपका जो भी अमाउंट है वो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में शो हो जाएगा। अब दोस्तों लमसम में इन्वेस्टमेंट करने का यही तरीका है। अगर दोस्तों आपको इस प्रोसेस में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो दोस्तों आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।